आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। सीएम का धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ का दौरा, संवाद से ही विकास का खुलता है रास्ता। मुख्यमंत्री ने बयान दिया, लोगों में विश्वास सुरक्षा का एहसास बढ़ा। सीएम ने नक्सल उन्मूलन के लिए मंत्र दिया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान सामने आया है, सीएम ने नक्सल उन्मूलन के लिए मंत्र दिया। सीएम का धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ का दौरा, तो लगातार मुख्यमंत्री दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने नक्सल इलाके में भी जो है दौरा किया है। धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ का उन्होंने दौरा किया। उन्होंने कहा कि संवाद से ही विकास का रास्ता खुलता है, ये बात उन्होंने कही। लोगों में विश्वास सुरक्षा का एहसास बढ़ा। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये बड़ा बयान सामने आया है, लगातार वो दौरे कर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अपने दौरे के दौरान ये बातें खुलकर कही। उन्होंने कहा कि लोगों में विश्वास सुरक्षा का एहसास बढ़ा है और ऐसे में सीएम ने नक्सल उन्मूलन के लिए मंत्र दिया। तो सीएम का धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ का दौरा और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बातें कही। उन्होंने बताया कि लोगों का सुरक्षा को लेकर जो है वो एहसास बढ़ा है और उन्होंने ये भी कहा कि संवाद से ही विकास का रास्ता खुलता है, लोगों में विश्वास सुरक्षा का एहसास बढ़ा। ये बयान मुख्यमंत्री का आया है। तो ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र छिंदगढ़ का दौरा करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि संवाद से ही विकास का रास्ता खुलता है, लोगों में विश्वास सुरक्षा का एहसास बढ़ा है। उन्होंने नक्सल उन्मूलन के लिए भी मंत्र दिया। तो काफी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है मिशन 2023 को लेकर, आने वाले चुनाव को लेकर। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने दौरे के दौरान उन्होंने कई प्रमुख बातों का उन्होंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।